कमल पद यात्रा के दौरान गांव में प्रवास करेंगे विधायक मंत्री व सांसद। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 15 दिन तक पद यात्रा के रूप में गांव गांव घर घर जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ उन लाभार्थियों से संपर्क करेगी जो केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में लाभ ले चुके हैं। इसी कार्यक्रम को लेकर गुरुवार को मंट विधानसभा की कार्यशाला बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष नागेंद्र सिकरवार, जिला महामंत्री संजय शर्मा व राजू यादव, विधानसभा पालक एस के शर्मा, विधानसभा संयोजक प्रभात चौधरी, विस्तारक अखिलेश पंचौरी, विधानसभा मीडिया प्रभारी पंकज लवानिया आदि के साथ विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष व सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दिशा पे अपने माट विधानसभा की पूरी की बैठक हो रही है। ऐसी सभी बैठकें हमको पांचों विधानसभाओं में मथुरा जिले की आज ये अंतिम बैठक थी हमारी विधानसभाओं की, 1 तारीख से लेकर 15 दिसंबर तक पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा के अंदर महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती जो हमने अभी मनाई है 2 अक्टूबर को, उस 150वीं जयंती पर हमने ये योजना बनाई थी कि महात्मा गांधी जी के प्रेरणादायी जीवन को स्मरण करके, उनकी दांडी यात्रा को स्मरण करके भारतीय जनता पार्टी 150वीं जयंती पर 150 कार्यकर्ता 150 किलोमीटर कम से कम 15 दिन के अंदर पैदल चलेंगे, गांवों के अंदर चलेंगे। उसके अंतर्गत हमने ये पूरी जो 150 लोगों की टोली है ये 25-25 लोगों की टोली में बट करके, यानी हर विधानसभा में 150 लोग 25-25 की कम से कम टोली में बट करके और 6 रूट बनाएंगे। उन 6 रूटों पर प्रतिदिन 2 या 3 गाँव में जा करके डोर टू डोर, गाँव टू गाँव, डोर टू डोर, मैन टू मैन एंड हर्ट टू हर्ट संपर्क करेंगे। तो वहाँ पर जैसे हमारे जो लाभार्थी हैं जिनको सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ आगे लाभ मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिला है, ODF के अंतर्गत उनको शौचालय मिला है, उनको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन मिला, उनको सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली का कनेक्शन मिला है, ऐसे सभी जो परिवार हैं लगभग 3.5 करोड़ परिवार हैं मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर, उन परिवारों से मिलने का काम, भाजपा के उस गांव में रहने वाले सदस्यों से मिलने का काम और भाजपा की बूथ समिति के जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो रात दिन काम करते हैं उनके घर पर संपर्क करने का काम यह टोली करेंगी। और 15 तारीख तक लगातार 8 और 9 दिसंबर को श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में जो कार्यकर्ता स्वयंसेवक होने के नाते दिल्ली चलो अभियान में जाना चाहेंगे, इसलिए हम 8 और 9 तारीख को इस रैली को स्थगित रखेंगे। बाकी 1 से 15 तक पूरे जनपद में गांव गांव डगर डगर ये रैली हमारी। रात्रि प्रवास का हमने ये किया है कि 15 दिन की जो हमारी यात्रा है ये कम से कम 5 दिन रात्रि निवास भी करेगी, 5 दिन गांवों के अंदर रुकेगी और गांव में रुक करके वहीं सोएगी, वहीं भोजन करेगी और वहां की समस्याएं, वहां के गांव के लोग जो है उनके साथ बैठ करके उनकी समस्याएं सुनेगी, उनके समाधान की चिंता करेगी। ऐसा उसको हमने ग्राम चौपाल का नाम दिया है। ऐसी ग्राम चौपाल हम हर टोली 5-5 गाँवों के अंदर इस यात्रा के अंतर्गत 1 से 15 दिसंबर तक करेगी।